हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री शौचालय का योजना चल रहा है उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करने में, उसमें क्या क्या लग सकता है, ठीक है, और कितने किस्तों में आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, यानी कितना फंड आपको मिलने वाला है शौचालय बनवाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप शौचालय का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या लैपटॉप से आप खुद अपने घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, आपको सबसे पहले एक बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी और आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, और आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। दोस्तों, ये सब आपको दस्तावेज देना होगा और इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करके आप अपने घर बैठे ही अपने शौचालय का पैसा मंगवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूं आप किस माध्यम से शौचालय का पैसा प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, खुद आपके बैंक अकाउंट में दो किस्तों में आपका 12,000 रुपए आपके पास चला आएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो चलिए वीडियो के माध्यम से फॉर्म को फिलअप करते हैं। दोस्तों, शौचालय का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में आ जाना है और यहाँ पे आपको SBM सर्च पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको SBM क्लिक कर लेना है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, अगर इस पेज पे आप सबसे पहले लॉगिन हो रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना भर देंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, जो OTP आएगा यहाँ पे आपको भर देना है, OTP भर देंगे, ठीक है, फिर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आपका एक फ़ोन नंबर अल्टरनेट मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स आपको भरने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको दोस्तों उसी पेज पे आ जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आप फिर से उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फिर से इसी पेज पे रीडायरेक्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला हुआ था उसी फ़ोन नंबर को यहाँ पे डालना है, फिर गेट OTP पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इंटर OTP पे OTP डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जैसा है वैसा यहाँ पे इस बॉक्स में भर देना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ़ोन नंबर भर दिया, फिर OTP भी भर दिया हूँ और यहाँ पे कैप्चा कोड सेम यहाँ पे बॉक्स में भर दिया हूँ, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर आ चुका है, मेरा यहाँ पे स्टेट आ चुका है और फिर यहाँ पे हमारा एड्रेस पूरा आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस हमारा एक्टिव शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको शौचालय का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आपको शौचालय का फॉर्म भरने के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, फिर आपसे आपका आधार संख्या मांगा जाएगा, ठीक है, और दोस्तों आपको बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी इसमें अपलोड भी करनी होगी, ठीक है, और इस तरह से आप अपने शौचालय का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने स्टेट चुना था वो आपका यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जिला है वो जिला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जिला है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ पे ब्लॉक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है यानी विकासखंड है, ये यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सभा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको अपना विलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि जब यहाँ पे आप अपना ब्लॉक डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, फिर आपका ग्राम पंचायत शो होने लगेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपका ग्राम पंचायत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ग्राम पंचायत भी आ गया, ठीक है। तो जो भी आपका ग्राम पंचायत है यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका विलेज हो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपना सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा जो आपके आधार कार्ड में है, अपने आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना नाम भर देंगे,
फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भर देंगे, ठीक है। जो आधार नंबर भरेंगे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे टिक लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे फादर नेम भर देना है, हस्बैंड नेम भर देना है, जो भी आपका है भर देंगे। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप जेंडर है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, दोस्तों यहाँ पे आप APL सूची में है या BPL सूची में है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर, OBC, SC, ST जो भी है यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कार्ड टाइप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोन नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है, फिर यहाँ पे दोस्तों आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर देंगे जो आपके आधार कार्ड में है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना है, ठीक है। IFSC कोड डालेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा, आपका ब्रांच एड्रेस भी शो कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैंक स्टेट भी शो कर लेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी शो कर लेगा, ये सब ऑटोमेटिक आपका उठा लेगा, ठीक है। ऑनलाइन ये डेटा मैच करके दिखा देगा, शो कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप IFSC कोड भरेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा सारा कुछ भर देगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर बस भरना होगा, तो आप अपने पासबुक पे देख के आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे आपको दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना है, री अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देंगे, जो यहाँ डालेंगे वही यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन फर्स्ट पेज यहाँ पे आपको ऑन पासबुक, मतलब स्कैन किया हुआ पासबुक यहाँ पे आप अपना एक यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। PDF, JPG, JPG, PNG फाइल यहाँ पे आपको देना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। फाइल की साइज दोस्तों यहाँ पे आपको 200 KB से नीचे रहनी होगी, ठीक है। 200 KB से ऊपर की साइज आपको नहीं अपलोड करना है, ठीक है, नहीं तो ये अपलोड नहीं लेगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप अपने अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आप रेफरेंस नंबर को कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है। और सारा कुछ फॉर्म को फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जो मैंने बताया था रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट भी बता देगा कि कब आपने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप ट्रैक भी कर सकते हैं, स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका शौचालय का क्या हुआ, मतलब फंड आया या नहीं आया, आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगा, क्या क्या प्रोसेस है, उसका सारा यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एक प्रिंट होके ओपन हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका PDF यहाँ पे बन के ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा जो आपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप अपने यहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसको आप अपने ग्राम प्रधान को जाके यहाँ पे आपको जमा कर देना है, ठीक है, ताकि इस फॉर्म के माध्यम से आपको शौचालय का लाभ मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म को जमा कर देंगे तो आपको 2 किस्तों में 6,000 करके आपके बैंक अकाउंट में 2 किस्तों में आपका पैसा आ जाएगा, यानी टोटल 12,000 रुपये तक का आपको लाभ मिल जाएगा शौचालय का, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से शौचालय का लाभ उठा सकते हैं फॉर्म भर के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।